नमस्कार, मैं नीति सेन। शावाडेरी थाना पुलिस की टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर लगातार फरार हो जाता था, लेकिन अब सूचना के आधार पर इस आरोपी को शावाडेरी थाना पुलिस की टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान शावाडेरी इलाके से ही गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के पास से 11 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। शावाडेरी थाने में तैनात कांस्टेबल सतेंद्र ने अपनी जान पर खेल कर एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी हथियार के बल पर राहगीरों के साथ लूटपाट व स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया करता था। आरोपी के गिरफ्तारी के बाद करीब 11 आपराधिक मामले सुलझाए गए हैं। वहीं आरोपी के पास से छीने गए 11 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं। वहीं इस आरोपी के खिलाफ राजधानी दिल्ली के अलग अलग थानों में 55 आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नीरज के रूप में हुई है, जो कि रोहिणी इलाके का रहने वाला है, लेकिन आरोपी हथियार के बल पर अक्सर राहगीरों के साथ लूटपाट व स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाया करता था। लेकिन कांस्टेबल सतेंद्र ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस आरोपी के पास उस वक्त कोई हथियार भी हो सकता था जिससे यह आरोपी कांस्टेबल सतेंद्र को घायल कर सकता था, लेकिन कांस्टेबल सतेंद्र ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस आरोपी को धर दबोचा। ये पूरा मामला एक माह के लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसकी फुटेज भी आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली से नीति सेन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।